गुड मॉर्निंग। आज हम एसिड क्लोराइड के बारे में बात करेंगे। एसिड क्लोराइड का कॉमन नेमिंग और उसका आईयूपीएसी नेमिंग जो है वो हम कैसे करते हैं। तो एसिड क्लोराइड जो है इसको हम एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं। ये जो एसाइल क्लोराइड जो वर्ड यूज किया जाता है ये कॉमन नेम में यूज करते हैं, और एल्केनोइल क्लोराइड जो है ये आईयूपीएसी नेमिंग में हम यूज करते हैं। अगर हम एसिड क्लोराइड के जनरल फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1COCl। अगर हम एसिड क्लोराइड के फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो ये COCl इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। अब यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ सी एल जो है ये फंक्शनल ग्रुप ऐसे अरेंज किया है। हमें यहाँ पे याद रखना है कार्बन की 4 वैलेंसी, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी एंड क्लोरीन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही काम हो रहा है, कार्बन की 4 वैलेंसी है, क्लोरीन की 1 है और ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। सेकेंडरी सफिक्स जो है वो ऑयल क्लोराइड जो है यहाँ पे हम यूज करते हैं। अब आइए इसकी कॉमन नेमिंग की बात करते हैं कि इसकी कॉमन नेमिंग हम कैसे करेंगे। आइए अब एसिड क्लोराइड की कॉमन नेमिंग करते हैं। तो एसिड क्लोराइड जो होता है वो डेरिवेटिव्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन नेमिंग से हम एक एसिड हटा के आई क्लोराइड जो है वो ऐड कर देते हैं, तो एसिड क्लोराइड की कॉमन नेमिंग हो जाती है। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो रिप्लेस एक एसिड फ्रॉम द नेम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बाय आई क्लोराइड। तो आई क्लोराइड ऐड करना है और एक एसिड हमें हटाना है। एग्जांपल है RC डबल बॉन्ड OOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें से OH हटाएंगे, ये ग्रुप हटाएंगे और Cl जो है इसमें ऐड कर देंगे, तो RC डबल बॉन्ड OCl बन जाएगा। हम एग्जांपल लेते हैं, अगर R इक्वल टू H हो जाए तो HC डबल बॉन्ड OOH, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये कॉमन नेम है इसकी, फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OCl। इस इधर से OH हटाएंगे और Cl ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्माइल क्लोराइड। तो एक एसिड रिप्लेस किया और आई क्लोराइड ऐड कर दिया, तो ये फॉर्माइल क्लोराइड हो गया। इसके बाद हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड कहलाता है। इधर से OH हटाना है और Cl ऐड करना है, तो CH3COCl बन जाएगा। तो यहां से हम एक एसिड हटाएंगे तो आई क्लोराइड लग जाएगा, तो एसिटाइल क्लोराइड जो है वो बन जाएगा। तो यहां से हमें क्या रिप्लेस करना है, यहां से हमें एक एसिड को क्या करना है, रिप्लेस करना है, और यहां पे हमें ऐड क्या करना है, आई क्लोराइड जो है वो हमें ऐड करना है। फिर थर्ड एग्जांपल है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, प्रोपियोनोइक एसिड कहलाता है। यहां से हम एक एसिड हटाएंगे, जब OH हटा के Cl लगा देंगे तो प्रोपियोनोइक क्लोराइड हो जाएगा। ये ब्यूटेनोइक एसिड है, यहां से OH हटाएंगे Cl लगा देंगे तो ब्यूटेनोइल क्लोराइड जो है वो बन जाएगा। अब एसिड क्लोराइड के और भी एग्जांपल हमारे पास हैं, तो उनकी कॉमन नेमिंग आइए करते हैं। एक कंपाउंड ये है, आप इसको देख रहे हो, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, और अगर हमें कॉमन नेमिंग करनी है तो इसके लिए हमें 1, 2, 3 नहीं लिखना है, इसके लिए हमें लिखना है अल्फा बीटा। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप का ये कार्बन है, इसका नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो अल्फा होगा, इसके बाद का कार्बन होगा बीटा और इसके बाद का कार्बन होगा गामा। तो बीटा कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो बीटा बीटा डाइमिथाइल, और कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल ब्यूटाडाइल क्लोराइड हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास ये 6 नंबर का एग्जांपल है, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके बाद का कार्बन अल्फा होगा, देन बीटा, फिर गामा ओमेगा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा, तो अल्फा ब्रोमो, ये अल्फा ब्रोमो है, कितने कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है। अगर 6 कार्बन का एसिड होता तो कैप्रोइक एसिड उसका कॉमन नेम होता, तो कैप्रोइल क्लोराइड जो है उसका एसिड क्लोराइड हो जाएगा। अब यहां पे CuBr, मतलब यहां पे एसिड क्लोराइड नहीं, यहां पे एसिड ब्रोमाइड है,
ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। तो अल्फा आयोडो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन का अगर एसिड होता तो बेलेरिक एसिड कहलाता है, हमें उसमें से एक एसिड हटाना है तो बेलेराइल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो अल्फा आयोडो बेलेराइल ब्रोमाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद 8 नंबर, ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, तो अल्फा साइक्लोहेक्साइल फॉर्मिल ब्रोमाइड, यहां पे ब्रोमाइड कर लूं, ठीक है, क्लोराइड नहीं होना है, यहां पे ब्रोमाइड होना है, ठीक है, क्योंकि ब्रोमाइड अपन ने नेम लिखा था ना, तो ये ब्रोमाइड हो जाएगा। फिर ये है, ये एसिड ब्रोमाइड है तो प्रोपियोनाइल ब्रोमाइड, ये एसिड आयोडाइड है तो दो कार्बन है तो एसिटाइल आयोडाइड हो जाएगा इसका नाम। आइए अब एसिड क्लोराइड की जो है वो आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। तो एसिड क्लोराइड की आईयूपीएसी नेमिंग में हमें करना क्या है, तो जितने कार्बन का हमारे पास एसिड क्लोराइड होगा उस उतने कार्बन का जो एल्केन होगा उसमें से हमें ई हटाना है और ऑयल क्लोराइड जो है वो ऐड कर देना है, तो एल्केनॉइल क्लोराइड जो है वो बन जाएगा, तो उस एसिड क्लोराइड का आईयूपीएसी नेमिंग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं HCOCl, ये एक कार्बन का एसिड क्लोराइड हमारे पास है, एक कार्बन का जो एल्केन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, तो मीथेन से ई जो है हट जाएगा और ऑयल क्लोराइड जो है उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीथेनॉइल क्लोराइड। इसी प्रकार CH3COCl, ये दो कार्बन का हमारे पास एसिड क्लोराइड है, दो कार्बन का एल्केन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हम इथेन बोलेंगे, उसमें से हमें ई हटाना है तो क्या हो जाएगा ये, और ऑयल क्लोराइड ऐड कर देना, तो इथेनॉइल क्लोराइड जो है वो नाम हो जाएगा इसका। अब ये तीन कार्बन का एसिड क्लोराइड है, तीन कार्बन के एल्केन को हम प्रोपेन बोलते हैं, ई हटा के ऑयल क्लोराइड ऐड करना, तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। और ये चार कार्बन का एसिड क्लोराइड है तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। इसके बाद और भी कंपाउंड है हमारे पास, उनकी भी आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। तो एक कंपाउंड ये है, इसमें ये कार्बन चेन है और यही फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें एक कार्बन की चेन है तो इसको नंबर दिया जाएगा 1 और ये प्रीफिक्स बन जाएगा साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉइल क्लोराइड, तो साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉइल क्लोराइड, ये उसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अब ये कंपाउंड एक ये है, एक ही कार्बन की चेन है, इसको नंबर दिया जाएगा 1, ये जो है ये फिनाइल कहलाता है, जब ये प्रीफिक्स में यूज किया जाता है तो फिनाइल कहलाता है, फिनाइल मीथेनॉइल ब्रोमाइड। फिर एक कंपाउंड ये है, ये मेन फंक्शन ग्रुप है, तो नंबरिंग जो है वो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो हम करेंगे 1 2 3 एंड 4, चार कार्बन का कंपाउंड है तो होगा ब्यूट, सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है तो होगा ब्यूट टू इन, सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड बता दिया तो ब्यूट टू इन, वन कार्बन पे ऑयल क्लोराइड है तो 1 ऑयल क्लोराइड। ये 8th नंबर का कंपाउंड है, मेन फंक्शन ग्रुप यही है तो काउंटिंग यहीं से होगी 1 2 3 एंड 4। काउंटिंग यहां से क्यों नहीं की, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, तो अगर मेन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है, उसी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को एक नंबर देना है, तो नंबर 1 इसको दे दिया। तो 3rd नंबर पे मिथाइल है तो 3-methyl, ये चार कार्बन तो होगा ब्यूट इन ऑयल क्लोराइड। फिर एक कंपाउंड ये है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो 4 कार्बन तो होगा ब्यूट, सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो होगा आइन और 1 पे ऑयल क्लोराइड है तो ब्यूट 2 आइन 1 ऑयल क्लोराइड। तो ये जो है आईयूपीएसी नेमिंग हो गई एसिड क्लोराइड की और एसिड हैलाइड की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज लाइक करें, इसको शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।